इस बंदर बना दिए गए हैं। भरतनाट्यम कथक बढ़िया कहते नहीं जा होते होते होते। तो सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो अभी का प्लान ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए नदी। तो अभी ऐसा है कि नदी थोड़ा दूर है, तो हम चल रहे हैं बाइक से। तो गाइस, हम नदी पहुंच चुके हैं। यहाँ बैठे हैं गाइस आशिक, आशिक मजनू। इनको ना कुछ दिखता नहीं कहाँ क्या बैठ जाए। ये हैं आशिक। अरे वो पता नहीं। हाँ नहीं, बहुत ही आनंदित होकर नहाते हैं। ये देखो तो हम पहुंच चुके हैं नदी। तो यहाँ पहले से कुछ लोग नहा रहे हैं। देखिए भाई, ये नहा रहे हैं हमारे ब्लॉगर। आज है ऋषि पंचमी, तो गांव में ऋषि पंचमी बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है। तो अभी हम चल रहे हैं गांव, दिखाएंगे आपको। अभी तो गाइस तैयारी तैयारी चलती होगी, तो चल रहे हैं अपन गांव, बने रहे ब्लॉग में। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं गांव, और यहां होना है पंचमी। और यहां दर्शक लोग बैठे, यहां देखो दोस्तों अभी चालू हो गई है। शुक्रे थे उनको मंत्र पढ़कर उठाया जाएगा। ये देखो यदि मंत्र कुछ गड़बड़ बोल देते हैं। इस बंदर बना दिए गए हैं। भरतनाट्यम कथक बढ़िया कहते नहीं जा होते होते होते। नहीं लगा, बढ़िया शाबाश। बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया नाग पंचमी का त्यौहार। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी फिलहाल हो गई है शाम, तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।